हालांकि मेरा जो है गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, तो फाइनली आ गया गूगल एडसेंस पिन मेरा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:20 और मैंने कल कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं आपको बताता हूँ अभी आकर के। फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा कि अभी जाना है जैक को बाहर टहलाने के लिए, तो उसको टहला करके मैं लाता हूँ, फिर आपको बता दूं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, किसकी वजह से मैंने व्लॉग शूट कल नहीं किया था। तो अभी ना जैक को टहला करके बांध दिया, तो अब बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी। तो यार प्रॉब्लम ये थी ना कि जो मेरा माइक है, फोन का माइक, उसमें क्या था, मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा था, थोड़ी बहुत रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन वो कह रहा था आवाज मेरी फंस जा रही थी, रुक रुक के आ रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन सही नहीं हो रहा था। फिर शाम तक अपने मन से पता नहीं फोन को रिस्टार्ट किया 2-3-4 बार, उसके बाद शाम को अपने मन से सही हो गया। ये रे जक्का कितना खा रहे जकुआ, पहले बैठो शांति से। हाँ ऐसे बैठे हो, दे रहना चुप पे बैठो। मीठा है कि नहीं? इतने मीठे की जवाब नहीं, इतने मीठे कहा देख लो, मीठा बता के बता रही, मीठा है, बहुमीठा कहीं के खवा रही है, मीठा ही नहीं। तो अभी ना गाइस, मैंने पोस्ट ऑफिस में कॉल किया था, तो पोस्ट ऑफिस वाले से पूछा, तो मेरे को पता चला कि मेरा जो है गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, तो जाकर के अभी देखता हूँ, जाकर के लेकर के आता हूँ। दे दो जरा संजीव कुशवाहा के नाम से जो आया। फाइनली मेरा गूगल एडसेंस पिन आ ही गया। चलो घर में चल के अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। अम्मी आगा आगा आ भाई, पेमेंट आगा वे थे, पेमेंट आई ना भाई, यूट्यूब की तरफ से, गूगल की तरफ से। एमा कोड है एक, हाँ वही कोड थे, हमारा पेमेंट आई ना। कहाँ लिखा है? यो देखो ना, हाईवे गोरेगांव ईस्ट मुंबई, मुंबई से, यो मुंबई से पोस्ट किया गया है। तो चलो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, कौन सा कोड आया है मेरा। तो काफी सही है, मतलब काफी ज्यादा खुशी है कि इतने दिन बाद, दूसरी बार आई थिंक मैंने सेकंड टाइम अप्लाई किया है, तो इसको तब जा गया है, फर्स्ट टाइम में तो आया ही नहीं था, शायद आया भी होगा तो वापस चला गया होगा, लेकिन सेकंड टाइम में आज मेरे पास आ गया, आज ही ये डिलीवर हुआ है पोस्ट ऑफिस में। मैंने फोन भी किया था उनके पास, भैया आया है क्या, लेकिन मेरे नाम से नहीं, मेरे भाई के नाम से आया, क्योंकि मैंने अपने भाई का पैन कार्ड लगाया हुआ था, तो उसी के नाम से आया, क्योंकि मेरे पैन कार्ड में जो है माइनर पैन कार्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से वो मैंने नहीं लगाया था, और ये वाला मैंने भाई का लगाया था जिसका 18+ का पैन कार्ड था, तो मैंने वो लगा दिया था, तो उसी के नाम से आया। पहले मैंने सोचा कि मेरे नाम से आएगा, लेकिन बाद में ध्यान आया कि भाई के नाम से आ सकता है, तो भाई के नाम से पूछा तो पता चला कि हाँ आ चुका है, तो मैं जाके फटाक से इसको लेकर के आया हूँ। अभी इसको ओपन करते हैं यार, देर नहीं, सबर नहीं हो रहा है, अब इसको ओपन करते हैं जल्दी से अंदर चल के रूम पे। रूम पे आ गए यार, फोन को कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा खड़ा करने के लिए, क्योंकि पकड़ने वाला तो कोई है नहीं घर पे, भाई वगैरह जानते हो काम पे चले जाते हैं, राहुल भाई भी कहीं बाहर गया हुआ है, संजीव भाई हरियाणा में, बालकन भाई अपना कंपनी में काम करते हैं तो वहां चले गए, तो फोन को मुझे यहीं पर अपने चार्जर पे, मेरा चार्जर बहुत साथ देता है यार, यहाँ पर आराम से फोन रख के, मैंने कितनी वीडियो शूट करी हुई है, तो आज ये भी वीडियो शूट करनी पड़ेगी यहीं पर रख करके फोन। ठीक है ना, किसी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से वो चीज मिल ही जाती है। तो मेरा फर्स्ट टाइम पे नहीं आया था, तो सेकंड टाइम मैंने अप्लाई कर दिया, तो सेकंड टाइम पे आ गया। आई थिंक फर्स्ट टाइम में आया था, लेकिन मैंने क्या अपने नाम से पूछा था तो उनको पता ही नहीं चला, तब भाई के नाम से पूछा तो वहां पता चल गया। तो देखो इसको ओपन कैसे करना है, ये लिखा हुआ है रिमूव, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, रिमूव साइड एजेस, आई थिंक फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये तो उल्टा दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ, चारों तरफ से इसको ऐसे रिमूव करना है, इसमें काटने के लिए बना हुआ है, ठीक है, साइड भी रिमूव हो गई, अब ओपन हो गया, तो ये ओपन हो गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, जो आप देख सकते हो, आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने कुछ डिजिट को छुपा रखा है, पूरा सिक्योरिटी पर्पस से नहीं दिखा सकता, और ये पूरा ब्लू कलर का पेज, इसमें कुछ नहीं है,
और इस जगह पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन है। पहला, योर गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन स्टेप वन। इसमें स्टेप्स भी लिख रखे इन्होंने कि क्या करना है आपको इसको वेरीफाई करने के लिए। तो स्टेप वन, साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट में साइन इन करना है और सेटिंग वाले आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट्स में जाना है, पेमेंट्स में जाने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है और वेरीफाई एड्रेस में जा करके ये जो पिन आया हुआ है इसको डाल देना है वहां पर और वेरीफाई हो जाएगा। तो यार जल्दी से फटाफट से चल के इसको वेरीफाई करता हूँ। मैं लैपटॉप चालू करता हूँ और उसमें वेरीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। अब वेट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी। तो चलो फटाक से चलते हैं। देख सकते हो लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया, लैपटॉप ऑन करके जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं इसको। उसके बाद $100 होते ही मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में। वेरिफिकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन और यहाँ पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन डालना है मेरे को। तो डाल देता हूँ फटाक से और वेरीफाई करता हूँ जल्दी से। ये देख, तो डालते ही यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीटेड हो गया है। तुरंत डाला और तुरंत एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पेमेंट आएगी। तो यार जो ना यूट्यूब करता है ना उसके लिए ये खुशी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वही जानता होगा। इसका इम्पोर्टेंस मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इसकी लाइफ में। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, एक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है, तो मोनेटाइजेशन के बाद पेमेंट आने के लिए पहला स्टेप यही होता है गाइस। मतलब ये जो पिन है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए। तो मेरे लिए आ चुका है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोगों को कितनी खुशी है यार कमेंट करके जरूर बता देना। देखो मेरी पेमेंट आएगी, मुझे खाने को मिलेगा। अच्छा अच्छा है ना जेको जग्गो। आलू परवल की सब्जी, रोटी, प्याज। आज तो मजा आया खाने में, आज खुशी ज्यादा है भाई। तो यार गाइस फिलहाल अभी ना 3:30 बज चुके और मैं उठ चुका हूँ कोचिंग पढ़ाने जाने के लिए। और क्योंकि लेटा हुआ तो नींद ही नहीं आई पूरी तरीके से, फोन ही चलाता रहा, फोन में कुछ ना कुछ देखता रहा। और अभी जा रहा हूँ चश्मे को साफ कर लेता हूँ क्योंकि रेडी हो चुका हूँ। चश्मा बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है तो इसको साफ करते हैं अपने फटाफट लिक्विड से। यार धूप ना काफी तेज हो रखी है, धूप तो हाफ टी शर्ट तो पहन के जा ही नहीं सकता। पहले सोचा था हाफ ही पहन के जाऊं लेकिन धूप देख करके हालत खराब हो गई लग रहा है। अब तो फुली पहन के जाऊंगा, चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। ये देखो जब बरा से जाने का पानी लाने का रास्ता नहीं रहता ना खेत में तो जीन से पानी लगाया जाता है यहाँ पर। ये देखो अरे बहुत दूर तक गई है। तो अभी ना कोचिंग पढ़ा के घर के लिए निकल चुके और ये देख सकते हो मेरे हाथ में क्या है, हामिया। बाकी सारे स्टूडेंट्स आगे हैं और ये देख सकते हो रूमा स्टेशन पे ब्रिज भी बन गया है क्रॉस करने के लिए उस साइड, उस पट्टी जाने के लिए। तो इधर ही से चलते हैं अभी अपन लोग। अभी आधा काम भी चल रहा है, खड़े रहने की दिक्कत खत्म, डायरेक्ट इससे ब्रिज से चले आओ। अभी ये बन रहा है, आधा ही कंप्लीट हुआ है, थोड़ा बहुत और बाकी है बनने के लिए अभी। तो ये अपना पूरा रूमा स्टेशन है जहाँ पर ये अभी ब्रिज बन गया है। कुछ दिन में आने वाला ये जो है ना पूरा मेन स्टेशन हो जाएगा रूमा स्टेशन। यहीं से फिर ट्रेन मिला करेंगी, अभी तो नहीं, कुछ सालों टाइम लगेगा अभी तो इसको। कहा चाहिए जग्गू, ए जग्गू कहे तुम आप पूछ पंखा इस हाला कर थी, इधर आओ। कहा चाहिए और छोड़ दे तुम्हें। सो गाइस फिलहाल अभी ना भाई छींक आ रही है यार। हाँ तो कहा था। सो गाइस फिलहाल अभी ना डिनर वगैरह तो हो चुका है। क्या करो यार बीच में छींक आ गई थी तो छींक मतलब कंट्रोल नहीं होती है। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है इस व्लॉग को एंड करने का। आज गूगल एडसेंस पिन आ गया तो काफी ज्यादा खुशी, उसको वेरीफाई भी कर लिया। आप लोगों को कैसा लगा यार कॉमेंट में बता देना जरूर से। और इसी तरह के फैमिली व्लॉग्स देखने के लिए यार प्लीज शेयर किया करो और थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्ट दिखाओ और कमेंट भी किया करो कि और क्या अच्छा कर सकता हूं मैं अपने व्लॉग्स में। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।